आइए अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम है। यहाँ पर हमें दो नंबर्स गिवन है, उनका HCF और LCM कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इटसेल्फ, सो उसको वेरीफाई करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 336 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और वो है 336 को इस तरह से फैक्टराइज कीजिए, 2 से कर सकते हैं 84 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। यानी 336 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 4 × 3 × 7, यानी 2 की पावर 4 और × 3 × 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 पावर इसलिए क्योंकि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम 54 को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, इस तरह से, या फिर हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। और अब हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, तो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो HCF में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल पावर है हम वो लेते हैं, यानी 2 की पावर 1 × 3 की भी पावर 1, यानी ये होगा 2 × 3 = 6। HCF हमने कैलकुलेट किया है 6। उसके बाद हम LCM भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और LCM में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हायर पावर पिक करते हैं, तो 2 की पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 3 और बाकी बचे हुए जो फैक्टर्स हैं, जैसे 336 में 7 बच गया और 54 में कुछ नहीं बचा, तो ये होगा LCM। 2 to the power 4 means 16, इसका मतलब 27, ये है 7। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। अब यानी LCM हमने कैलकुलेट किया है 3024। इसके बाद जो स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो बराबर होता है HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। नंबर्स हैं 336 और 54, HCF है 6, LCM है 3024। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18,144, और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आएगा 18,144। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो हम लिख सकते हैं कि सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।